अजमेर के पृथ्वीराज मार्ग पर पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान सड़क गीली होने से ओवरलोड पिकअप धस गई। मामले की सूचना पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ अन्य गाड़ी मालिक भी पहुंचे और तुरंत गाड़ी में रखे गेहूं के कट्टों को नीचे उतरवाकर क्रेन के माध्यम से वाहन को बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार एलिवेटेड निर्माण कार्य के चलते पाइपलाइन डाली जा रही है और इसी बीच बारिश के कारण सड़क गीली हुई और ओवरलोड पिकअप उसमें धस गई। ये पाइपलाइन फूटी हुई थी, पानी उसमें गाड़ी गेहूं भर के जा रही थी, इसलिए नीचे बैठ गई। पानी बिल्कुल बाहर निकल रहा पाइपलाइनों से। कहां पर हुआ ये? अपने क्या बोलते हैं, लोडा धर्मशाला के सामने हुआ था। गाड़ी में क्या माल भरा हुआ? गेहूँ भरा था, सरकारी गेहूँ, राशन की दुकानों में खुला जा रहा है। अस्सी कट्टे थे, 80 कट्टे थे, ओवरलोड क्या होती थी। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।